रिया चक्रवर्ती ने आज इंटरव्यू में कमाल कर दिया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के हर एक बयान को अब सोशल मीडिया पर खंगाला जा रहा है और उन्हीं बयानों के अगेंस्ट सबूत निकाले जा रहे हैं और वही सबूत सब सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं और इन्हीं सब को लेकर रिया चक्रवर्ती के झूठ पे झूठ सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में ये कहा कि वो इतना परेशान हो चुकी हैं कि उनके मन में सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, मरने के थॉट्स आते हैं, कि वो चाहते हैं कि वो भी एक बड़ा स्टेप ले लें, उनकी फैमिली भी ये चाहती है कि वो एक बड़ा स्टेप उठा लें, पर वो सोचती हैं कि अब कोई आए और हमें शूट कर जाए। तो रिया चक्रवर्ती कुछ ऐसी बातें बोली हैं रिया चक्रवर्ती ने जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं, जो कि हम नहीं बोलना चाहते, जिसमें वो अपने आप को मारने की और सुसाइडल थॉट्स की बातें करती हैं और शूट वाली बातें करती हैं। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, अपने आप को बचाने के लिए इतनी सब चीज़ें बोलना बहुत गलत बात है। आपको बता दें कि CBI कभी भी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी और कब होगी। और रिया चक्रवर्ती ने इन्हीं सब के उसमें बोला है कि कितनी भी एजेंसीज मेरे पीछे पड़ जाएं, कितनी भी जो CBI होगी, ED होगी, मैं इनका पूरा समर्थन करूंगी और मैं इनका पूरा समर्थन करूंगी और मैं सब कुछ, सारा सच सामने आएगा। उन्होंने बोला है कि जो ड्रग्स केस था, ड्रग्स केस में पूछा गया रिया चक्रवर्ती से, तो रिया चक्रवर्ती ने बोला कि NCB इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी और NCB ही आपको बता देगी कि इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, क्योंकि उस बात पे रिया चक्रवर्ती कुछ नहीं बोली, एकदम चुप हो गई, क्योंकि उनकी व्हाट्सएप चैट जो एक्सपोज हुई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती चुप हो गई एकदम, क्योंकि सबके सामने था वो, तो और इसीलिए वो कोई जवाब ही नहीं दे पाई। सो रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उनके पास EMI भरने के पैसे नहीं है। 17,000 रुपये की एक EMI का एक लोन चल रहा है उन पे, जिसपे 17,000 रुपीज़ की एक EMI जाती है। रिया चक्रवर्ती कहती है कि ये जो माहौल चल रहा है इस टाइम पे, मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं कैसे EMIs को पे करूँगी। लेकिन जो इतने महंगे वकील करे हैं रिया चक्रवर्ती ने, उनकी फ़ीस भी रिया चक्रवर्ती कहाँ से देगी। एंकर ने ये तो पूछ लिया कि आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो कि क्या आपका भी कुछ ऐसा मन करता है कि आप भी कुछ कर लें, तो जो सुसाइडल थॉट्स वाली बात पे। जी हाँ, लेकिन एंकर ने ये नहीं पूछा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है EMI पे करने के लिए, अगर आपके पास 17,000 रुपये नहीं है EMI पे करने के लिए, तो आपने इतना महंगा जो एडवोकेट है, इतना महंगा वकील आपने कैसे कर लिया, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। दरअसल ये सोशल मीडिया पर लोग पूछे जा रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि जो आज इंटरव्यू दिया है इसमें इतने झूठ आखिर क्यों बोले रिया चक्रवर्ती ने। क्या CBI की गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने CBI जब उनसे पूछताछ करे उससे 1 से 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने ये टाइम चूज़ करा है कि ये मैं अपना इंटरव्यू दूँ, मैं अपनी बेगुनाही के सबूत दूँ पूरे देश के सामने। जी हाँ, यही सब पूरी बातें हैं जो कि रिया चक्रवर्ती ने की हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती फिर से ट्रोल हो चुकी हैं। सो क्या कहना चाहते हैं आप, हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए।